बात सेंटर लो कंटिन्यू कंटिन्यू सेंटर लो क्या बर्थडे अपने पेरेंट्स का सेलिब्रिटी और किस तरह का बर्थडे रहा और क्या कुछ है आज मेरा हर साल हर ओकेशन इनफैक्ट आई वुड से पेरेंट्स के साथ ही होता है बिकॉज आई बिलीव फ्रेंड्स के साथ आप मिलते रहते हो आप सेलिब्रेट करते रहते हो आए दिन कुछ ना कुछ आप कर ही रहे होते हो बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने पेरेंट्स के साथ अपने इंपॉर्टेंट डेज सेलिब्रेट करें तो मेरा हर बर्थडे दिवाली हो न्यू ईयर हो हर चीज़ हर ओकेशन मेरे मॉम डैड के साथ होता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मेरे लिए कि अगर मैं ट्रैवल नहीं कर रही हूँ तो वो मेरे साथ हमेशा रहे और बहुत ही अच्छा था वी वेंट टू अ नाइस प्लेस बट अनफॉर्चुनेटली मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी जिस वजह से एक घंटे में मुझे वापस घर आना पड़ गया तो मेरा बर्थडे ख़त्म नहीं हुआ है मेरा बर्थडे वीक अभी भी चल रहा है और अभी मैं पूरा वीक बर्थडे मनाऊंगी जैसे मैं ठीक हो जाऊंगी ओके सो इस साल किस तरह का सेलिब्रेशन सरप्राइज क्या कुछ मिला आपको पेरेंट्स के तरफ से यार मुझे कोई सरप्राइज मेरे पेरेंट्स पता है मुझे कैसे सरप्राइज करते हैं वो मुझे पूछते हैं क्या
चाहिए तुम्हें, रोज सुबह फोन करके मुझे पूछेंगे क्या चाहिए तुम्हें, और वो खुद ही ऑप्शंस बता देंगे तुम्हें ये चाहिए तुम्हें वो चाहिए, तो ये कैसा सरप्राइज है। मैं आपको बताऊँ, पेरेंट्स ना मेरे वाले, मेरे पेरेंट्स मुझे कभी सरप्राइज नहीं कर सकते। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, मुझे कभी भी कुछ भी चाहिए होता है तो मैं उनसे सीधे फ़ोन करती हूँ और कहती हूँ डैडी मुझे प्लीज़ ये लेके दे दो, तो मुझे वो दे देते हैं। आई थिंक इसकी एक बहुत स्पेशल एक ब्यूटी है इस चीज़ की भी, क्योंकि ठीक है हम सब कमाते हैं है ना, बच्चे बड़े हो जाते हैं उनके पास पैसे आने लगते हैं, वो खुद अपनी चीज़ें लेना पसंद करते हैं ज़्यादातर, तो मुझे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे अपने पेरेंट्स से ही मांगना अच्छा लगता है। एंड आई बिलीव जब जैसे वो मैं उनको कहूँ वो मुझे ला कर देते हैं, या मुझे जब वो पैसे देते हैं उस चीज़ का एक अलग यू नो मज़ा है। तो कोई सरप्राइज तो नहीं खैर उन्होंने किया, एक बहुत अच्छी जगह हम गए और हमने डिनर किया साथ में, सो इट वाज फन। एपिटोम के बारे में क्या कहेंगे, कैसा फूड है यहाँ का, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है मुंबई में, क्या कैसे है एपिटोम? एक तो आज मैं जुहू पे आई हूँ, यहाँ पर आई एम सेलिब्रेटिंग माय बर्थडे हियर, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर आकर, फूड इज़ वेरी गुड और अभी पार्टी चल रही है और मज़ा आ रहा है। एक टाउन में भी है, मुझे टाउन वाले में भी जाना है, अभी वो बचा हुआ है अभी, तो आई एम वेरी हैप्पी कि जुहू में एपिटोम आ चुका है, आई एम वेरी हैप्पी। ओके, सो हाल ही में सुखविंदर बाजी के साथ आपका गाना है होली में, काफ़ी कुछ अच्छा था गाना, रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, क्या कुछ कहना चाहोगे? वो गाना हमने शूट जब किया वो बहुत ही मज़ेदार गाना था, बिकॉज सुखी जी अपने आप में ही बहुत ही फन लविंग पर्सन है और मैं उनको इतने सालों से जानती हूँ, आई थिंक ही इज़ अ फैंटास्टिक पर्सन, और जिस तरह यू नो उनके साथ काम करते करते भी ऐसा नहीं लगता कि आप कोई काम कर रहे हो, आप पे किसी चीज़ का प्रेशर नहीं होता है, उनके साथ ऐसा लगता है जैसे कि बस घर का माहौल है और ऐसे ही कैमरा ऑन कर दिया और हम शूट कर रहे हैं, सो इट्स ऑलवेज फन टू वर्क विथ हिम। और दो गाने किए हैं मैंने उनके साथ, एक हमने किया होली का गाना और एक हमने किया था नचूंगा सारी रात, जो मतलब एकदम टिपिकल पार्टी सॉन्ग है, तो दोनों गाने ही शूट करते हुए ऐसा लगा बस हो ही गया, कैमरा ऑन हुआ और हमने काम कर लिया, इट वॉज फन। मुझे देखेंगे अभी धीरे धीरे और कुछ चीज़ें आने वाली हैं, तो आप मुझे बहुत जल्दी वापस देखेंगे मेरे अपने सिंगल्स में। क्या हम आपको रियलिटी शो में फिर से देख पाएंगे? कुछ नहीं कह सकते, कोई अच्छा कोई ऐसा रियलिटी शो अगर आता है जहाँ पर उन्हें लगता है कि यू नो मैं कुछ कर सकती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ मैं इसमें कुछ अच्छा कर सकती हूँ, तो आई वुड लव टू डू इट। लॉकअप चल रहा है, क्या कुछ आप फॉलो कर पा रहे हो कोई आपके? मुझे बताओ लॉकअप में जाने के लिए क्या मेरे पे कोई ऐसा इल्ज़ाम है? वैसे आप लोग ही सोच के बताओ कि क्या है कोई आरोप मेरे लिए तो फिर वो डेफिनेटली अप्रोच करेंगे मुझे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। किस तरह का सेलिब्रेशन देखने मिलेगा? कुछ नहीं, ये जगह इतनी बहुत पोलाइट और वेरी कॉन्वर्जेशन वाली है, तो हमारा वही वाइब है, क्योंकि मैं और जसलीन बहुत मिलते हैं बट बहुत कम होता है बिकॉज वो बिजी रहती है मैं बिजी रहती हूँ, तो फिर आज हम लोग मिले हैं काफ़ी टाइम के बाद उसके बर्थडे पे, सो आई एम सुपर एक्साइटेड एंड या आई एम योर टू हैव फन विथ हर एंड मेक हर फील द बेस्ट राइट नाउ, शी इज़ द वुमन राइट नाउ। और भी काफ़ी सारे दोस्त आए, किससे मिलने के लिए अपार्ट फ्रॉम जसलीन किससे मिलने के लिए आप एक्साइटेड हो? अभी तो ऐसा कुछ नहीं, मेरे सारे दोस्त हैं और सारे मतलब अपने अपने वर्ल्ड में बिजी रहते हैं, जब मिलते हैं हम बात करते हैं, जब नहीं रहता तो फिर कुछ नहीं, ऐसा एक्साइटेड एक्साइटेड नहीं, एक्साइटेड मैं खुद हूँ अपने आप से मिलने के लिए। क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट है? काफ़ी है बट आई डोंट वॉन्ट टू पुट इट अक्रॉस राइट नाउ, जब आई थिंक मुझे अभी एक्शन दिखाना है, बातें कर कर कुछ मिलने वाला नहीं है मुझे। Okay, so whenever Big Boss comes up, your name is always there, but we have not seen you. So Big Boss आने वाला है, क्या कुछ हम देख पाएंगे इस साल आपको? मुझे नहीं पता क्योंकि चैनल डिसाइड करेगी, ऑब्वियसली मराठी बिग बॉस किया है मैंने, तो फिर आई एम होपिंग फॉर हिंदी बिकॉज आई डू हैव दैट एक एक्सपेक्टर है मेरे में, मुझे ऐसा फील होता है कि मैं बिग बॉस खेल पाऊँगी अच्छे से बिकॉज आई ऑलवेज टेक स्टैंड और मेरे कुछ रूल्स और मेरे अपने खुद के प्रिंसिपल्स है अपने काम को लेकर अपने आप को लेकर, सो या आई एम एक्साइटेड अबाउट इट बट दैट डिपेंड्स ऑन द चैनल। इट्स अ वेजिटेरियन प्लेस कम्प्लीटली और जो हिसाब से एम्बियंस है इट्स अ लवली एम्बियंस बिकॉज the intakes and everything whatever it is it's all about like universe is talking to you directly, so yeah I feel it's amazing and obviously when they have a branch in Dubai and Mumbai south Mumbai and right now we have it in Juhu as well, so it's great, it's amazing to be here. Okay, so lockup is going on, so kya aap lockup follow kar pa rahe ho? Because lockup jab chalu hua tab aapka naam bhi kidhar aaya tha, kya hum in the mid season aapko dekh paaye? Acha aisa aaya tha, mujhe to ye cheez pata hi nahi, seriously kya baat kar rahe ho, main apna khud ka lockup kar aayi hu, abhi kyu karna hai? To aap lockup
बट मुझे अच्छा लग रहा है. मैंने एक्चुअली स्टार्टिंग में फॉलो इसीलिए किया क्योंकि मुनावर मेरा एक फ्रेंड है हु इज़ अ वेरी गुड कॉमेडियन, और मैंने उसका स्टैंड अप काफ़ी साल पहले जब वो कुछ नहीं था और मैं अपने इसमें थी तो तब हमारी फ्रेंडशिप हुई थी. और उसके बाद जो मैंने उसका ग्रोथ देखा है, आई रियली लव्ड हिम बिकॉज ही इज़ अ गुड प्लेयर. ही नोज़ हिमसेल्फ वेरी वेल. ही नोज हाउ द पीपल वर्क अराउंड. ही रीड्स माइंड वेरी वेल. और जब वो दोस्ती करता है तो वो जैसा है वो वैसा रहता है. वो एक बिंदास मुंबईकर बोल सकते हैं, दो वो मुस्लिम है बट मैं ये बोलूँगी करके वो काफ़ी मुंबईकर इंसान है बिकॉज मैंने उसके साथ पार्टी की है, मैंने उसको देखा है. सो या आई थिंक मुनावर इज नाइस इन दैट. बाकी सबका काम अच्छा है. मुनावर ने अंदर एक फ्रेंडशिप अंजलि के साथ, अंजलि के साथ ना फ्रेंडशिप करना कोई बुरी बात नहीं. और मैं मुनावर को इतना जानती हूँ कि वो जो है वो दिल से करेगा या फिर वो करेगा ही नहीं. ओके, सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मुनावर, आई एम टॉकिंग अबाउट अंजलि. डू यू थिंक गेम के लिए ये फ्रेंडशिप किस तरह से, बिकॉज़ इट विल वर्क, ऑब्वियसली इट विल वर्क, इट विल वर्क बिकॉज लोगों को दोस्ती देखनी अच्छी लगती है. अंजलि के खुद के जो मैंने चैनल में देखा, मैं उसको पर्सनली नहीं जानती हूँ, तो उसके चैनल में मुझे पता चला शी हैज अ मिलियन फॉलोवर्स. So yeah, I think so. She is a good influencer and she gives her 100% for her act or her work. Ye kaam hi ho gaya. So I think she's doing good with herself. And how do you see Kangana as a host? Oh, she is very, she talks very like, मैं आप मतलब वो अच्छा बोलती है यार, मेरे को नहीं इमिटेट करना है बट वो बहुत अच्छे से बोलती है जो भी करती है. एंड आई फील दैट शी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग वुमेन पावर इन हर सेल्फ. लाइक आई डोंट से दैट आई एम अ फैन और समथिंग बट एक होस्ट के नज़र से अगर मैं बोलूँ तो या शी